हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एस्टेट का एक इम्पोर्टेंट पोयम का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो अमेरिकन वर्क्स हैं उनको कर रहे हैं। अमेरिकन ये पोएट है जो वाल्ट विटमैन का हम लोग जो लिखा गया एक पोयम, बहुत फेमस पोयम है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। क्या है ओ कैप्टन और माई कैप्टन, इसका एमसीक्यू करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, हम लोग करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक है, ऑथर कौन है? तो देखिए, पहला है विलियम, तो ऑलरेडी मैं यहाँ बता चुके हैं, तो फिर जरूरी नहीं है, यानी आपका डी राइट हो जाएगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा। साथ में ये अगर बात किया जाए तो 18, ठीक है, हम लोग अगर इसको बात करें कि कब आया था, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद मतलब रखना चाहिए, हो सके पूछ देगा। तो देखिए, ये कलेक्शन में आया था, ठीक है, क्या कलेक्शन का नाम था? सिलेक्शन ऑफ फ्रॉम जो लीव्स था, ठीक है, लीव्स, आपको पता है लीव्स ऑफ ग्रास में आया, लिप्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन ऑफ पोयम है, उसमें ये पोयम जो है शामिल है और उसी में पोयम में आया था। तो लिप्स ऑफ ग्रास के बात करें तो 1855 में आया था, 1855 में पब्लिश हुआ था, जिसमें से इस पोयम जो है ओ कैप्टन माई कैप्टन जो इसको शामिल किया गया था या लिखा गया था 1864, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर लास्ट एडिशन पूछा जाए कि जो है द लिप्स ऑफ यानी सिलेक्शंस फ्रॉम द लिप्स ऑफ ग्रास, तो इसका लास्ट एडिशन याद रखना है, आया था 1891 to 92 में आया था, ठीक है, 1892 में, ये याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो पोयम है, बोलता है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिकल, जिसको हम लोग मैट्रिकल फुट फीट जो पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है किस प्रकार का जो है मैट्रिकल फुट है? तो देखिए, यहाँ ट्रोचोई है, डॉक्टाइल है ना, डॉक्टाइल है और स्पोंडी है और द आइम्बिक है, जिसके यहाँ आइम्बिक या आइम्ब है। तो इसका राइट आपका हो जाएगा जो इसमें आइम्बिक फॉर्म में लिखा गया है, आइम्बिक मीटर में लिखा गया। चलिए आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका आगे है कि व्हाट इज द मोस्ट अक्यूरेट वे, यानी सबसे अधिक मतलब सबसे जो सही तरीका क्या है टू डिस्क्राइब द पोयम्स स्टेंजा फॉर्म, स्टेंजा का फॉर्म कैसा है? तो आपको ये भी रखना है याद कि डबल क्वाट्रेन में है, सस्टेट में है, या डबल टर्सेट में है, या ऑक्टेव में है, तो आपको याद रखना है, ये आपका ए राइट होगा, ठीक है, यानी डबल क्या है, डबल क्वाट्रेन में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच टर्म डिस्क्राइब्स द पोएम्स रिपीटेड, मतलब रिपीट किया गया पोएम्स का रिपीटेड यूज ऑफ फ्रेज ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओ कैप्टन माई कैप्टन जो रिपीटेड किया गया है लाइन नंबर 1 और 9 में, और फॉलन बताया जो फॉलन कॉल्ड एंड डेड, ये आपको बताया गया 8 और 16 और 8 का टेबल में, 8 × 16 = 24 जो है आपका फॉलन कॉल्ड और डेड है, डेड। तो आपका यहाँ बताया गया है कि कंसिक्ट है, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि ओ कैप्टन माई कैप्टन कौन कौन से लाइन में जो रिपीटेड है, तो आपको 1 और 9 में, और दूसरा है कि अगर बोलेगा फॉलन कॉल्ड एंड डेड तो आपको 8 का टेबल याद रखिएगा, 8 और 16 और 24 में, टोटल इसका पोयम का लाइन कितना है 24 है।
कंसीट है, भर्स है, कोरस है और रिफ्रेन है। तो आपका यहाँ जो है बताया गया है, आप ध्यान से पढ़े होंगे, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ठीक है, जो एक्सप्लेन किए हुए हैं उसको देख लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ हो जाता है फोर का, जो हो जाता है आपका फोर का जो है क्या हो जाता है, ये डी हो जाता है, यानी रिफरेंस में दिया हुआ है, रिफ्रेन में, ठीक है। फोर्थ जो है लाइन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है राइट आंसर। आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ, अगर क्वेश्चन देखते हैं तो फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि द पोएम्स टाइटल एंड फर्स्ट लाइन कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ विच टेक्निक, कौन सा टेक्निक का एग्जाम्पल जो इसमें होता है रहता है। तो देखिए यहाँ बताया है सैनिक डॉक है, सिमली है, एस्ट्रो है ना, एपोस्ट्रोफी है और प्रश्नफिकेशन है। तो यहाँ जो ओ कैप्टन माई कैप्टन में अगर हम देखें तो यहाँ एपोस्ट्रोफी जो है फिगर ऑफ स्पीच के बात करें तो आपका राइट हो जाता है एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी का जो है यूज किया गया है। क्वेश्चन आगे चलते हैं तो क्वेश्चन आपको बताएंगे, यहाँ सिक्स क्वेश्चन नंबर है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोयम, पोयम का स्पीकर कौन है। तो आपको यहाँ सेलर है, राइटर है, डॉक्टर है, सोल्जर है। तो यहाँ पे बताया गया कि स्पीकर कौन हो सकता है, तो स्पीकर वही हो सकता है यहाँ पे सेलर हो, सेलर है, ठीक है, यहाँ स्पीकर कौन है, सेलर है। ओ कैप्टन माई कैप्टन में कौन है स्पीकर यहाँ, तो यहाँ आपको बताया जाता है सेलर। क्वेश्चन आगे चलते हैं तो यहाँ आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपका यहाँ सामने, इसीलिए इसको हम दे दिए आंसर कि ताकि हम जो है देख के तुरंत आंसर आपको मिल जाए, यहाँ डाउन नहीं जाना पड़े। बोलता है इन कंटेक्स्ट है द वर्ड फियरफुल इन द लाइन, ठीक है, इन लाइन वन में है और इंडिकेट्स करता है दैट द ट्रिप वाज, ट्रिप ठीक है, ट्रिप ट्रिप जो है ट्रिप वाज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताया है तो मेटाफोर फॉर द इंटरनल स्ट्रगल है और फुल ऑफ फ्राइटेंडिंग ऑब्स्टेकल है एंड बैड आइडिया फ्रॉम द बिगिनिंग और द काउज ऑफ कैप्टन डेथ। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है, यानी फ्राइटेंडिंग ऑब्स्टेकल के बात किया गया है, फुल ऑफ फ्राइटेंडिंग ऑब्स्टेकल। तो आज हम इतने ही बात करते हैं, बाद में फिर दूसरा वीडियो में हम पूरे डिस्कस करेंगे। ये आपका पोयम का बैकग्राउंड था, अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, हर पोयम के लाइन बाय लाइन आपका एमसीक्यू करेंगे ताकि आप कहीं से भी पूछा जाए तो आप 100% यहाँ से दो एक प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा, वो एक प्रश्न आपको बनना चाहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, थैंक यू।